वेलकम रंजना की किचन से। आज की रेसिपी है काले चने की चटनी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर दी। वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने काले चने को रात भर पानी में सोख करके उसे फुला लिया है और अच्छे से साफ करके इस तरह रख लिया है। उसे मैंने कुकर में 3 से 4 सीटी डाल के उबाल लिया है। इसका पेस्ट तैयार करते हैं चटनी। तो इसे जार में डाल लें, उबले हुए चने को इस तरह जार में डाल लें। अब इसमें मैं 2 से 3 लहसुन के कली और 1 मिर्च डालूंगी। आपको तीखा पसंद है तो मिर्च और डाल सकते हैं, मैंने 1 ही डाला है। यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच सरसों तेल। इसे जार बंद करके हम इसका मिक्सी में चटनी बना लेंगे। देखिए जार ओपन कर रही हूँ, हमारा चटनी हल्का ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्का पतला कर लेंगे। मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, ऐसे फिर से मिक्सी में पीस लें। ये देखिए मैंने पीस लिया है। हमारा चटनी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। आपको और पतला चाहिए थोड़ा और पानी डाल लें, मैं यही थिकनेस रखूँगी। तो ये चना की चटनी बहुत जल्दी बन जाती, बहुत सिंपल रेसिपी और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चावल रोटी कभी भी खाएं बहुत टेस्टी लगता है। बहुत लोग इसमें तड़का डाल के खाते हैं, तो मैं वो रेसिपी भी आप सबके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।